हे गाइस, तो जैसे कि आप लोगों ने अभी प्रीव्यू पे देख ही लिया कि इंस्टाग्राम पे इस टाइप की वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है एंड आप लोग इस लिरिक्स में अपनी वीडियो को कैसे बना सकते हो, इस वाली वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा एंड ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो पर पूरा लास्ट तक बने रहना एंड अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक कर लो। तो चले गाइस, हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है अपने फ़ोन की स्क्रीन पे एंड आप लोगों के पास ये दो एप्लीकेशन होना लाजमी है, कैपकट एंड सुपर वीपीएन। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सुपर वीपीएन कनेक्ट कर लिया है, आप लोग भी अपना सुपर वीपीएन कनेक्ट कर लेना। एंड ये रहा हमारा कैपकट एप्लीकेशन, इसके अंदर हम सिंपली चलते हैं एंड जाने के बाद यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना, करते ही आप लोग अपने गैलरी के अंदर आ जाओगे। ठीक है, जो आप लोगों के जहाँ पे फोटोज़ वगैरह है तो यहाँ से आप लोगों को कुछ फोटोज़ अपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने कुछ फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे तो नहीं है बट नीरज भाई की है क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल फोटो नहीं है, तो मैंने एग्जांपल के लिए आप लोगों के लिए नीरज भाई की फोटो को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, 9 फोटोज अभी हमने लिया है। ठीक है, बाकी अगर घटेगा तो हम जाके ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे लास्ट में गाइज आप लोग आओगे तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड मिल जाएगा, इस पर सिंपली क्लिक करके यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, देन इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे तो देख सकते हो फोटो तो हमने ऐड कर लिया, अब हमें म्यूज़िक ऐड करना है। तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए ऑडियो वाले ऑप्शन पे चलना है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हो एंड साउंड के ऑप्शन पे जाना है। एंड जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करोगे जैसे ही तो आप लोगों को मैं एक डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो दे दूंगा। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पे इनपुट साउंड ओनली पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ साउंड आप लोगों को आ जाएगा, यहाँ पे मेरा पहले नंबर पे ही है। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद गाइस अब हमें क्या करना है कि इस म्यूज़िक पे हमें बीट लगाना है। ठीक है, तो बीट किस तरीके से लगाना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग क्या करना है कि म्यूजिक वाले लेयर पे क्लिक करना है सिंपली आप लोगों को कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे देख सकते हो बीट आउट बीट कट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस पे आना एंड जहाँ जहाँ पे गाइज आप लोगों को बीट ज़्यादा उठे हुए दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ग्राफ देखना, जहाँ जहाँ पे आप लोगों का बीट ज़्यादा उठे हुए हैं वो आप लोगों का बेसिक बीट है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से ऐड बीट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है, तो वहाँ पे आप लोगों का कुछ इस तरीके से येल्लो शाइन में येल्लो डॉट में बीट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, तो आप लोग भी देख लेना ग्राफ के हिसाब से अच्छे से आप लोग बीट ऐड कर लेना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारी वीडियो पे बीट लग चुका है। देन इतना करने के बाद डन करते हैं एंड डन करने के बाद अब हमें बीट के हिसाब से अपने फोटो को ऐड कर लेना है, तो कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, तो यहाँ से गाइस आप लोगों को क्या करना है कि फर्स्ट वाला जो आप लोगों का येल्लो डॉट है बीट है मतलब, ठीक है, उस पर आना है, वहाँ पर आना है। ठीक है, एंड आने के बाद अपने फोटो वाले लेयर पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर स्प्लिट करके राइट साइड वाला जो फोटो है जो एक्स्ट्रा है इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ से आना है, इस पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। देन अब हमें क्या करना है कि सेकंड वाले बीट पे चलना है कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से करना है, स्प्लिट पे क्लिक करना है एंड करने के बाद राइट साइड वाले क्लिप को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को सारे फोटोज़ पे मतलब सारे बीट पे अपने एक एक फोटोज़ को ऐड कर लेना है। तो गाइज मैं फटाफट से कर लेता हूँ क्योंकि अगर एक एक फ़ोटो करके मैं बताऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी एंड आई होप कि आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमें फ़ोटो की कमी हो रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, और फोटो तो नहीं है हमारे पास, उतना ही है लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ राइट साइड में देखो प्लस का एक आइकन दिखता होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना एंड करने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोग चाहो तो उसी फोटोज़ को ऐड कर सकते हो एक बार फिर से जिन फोटो को आप लोगों ने ऐड किया है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा फोटो नहीं है तो, ठीक है ना, वैसे भी स्पीड बीट चलेगी तो कोई उतना समझ नहीं पाएगा कि कौन कैसा फोटो लगाया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम आते हैं एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी उसी वही प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्प्लिट एंड डिलीट, स्प्लिट डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कुछ उसी तरीके से कर लेंगे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। तो गाइज आप लोग ये ध्यान रखना कि जितना अच्छा आप लोग बीट पे अपने फोटोज को ऐड करोगे उतना अच्छा आप लोगों की लिरिक्स पे फोटोज आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो बीट था हमने अच्छी तरीके से फोटोज वगैरह सेट कर दिया एंड अब हमें क्या करना है कि सिंपली इसके दो तीन फोटोज छोड़ के हमें इस वाले ऑप्शन पे आना है एंड आने के बाद प्लस वाले आइकन पे आने के बाद इस कैमरा वाले ऑप्शन पे चलना है एंड जाने के बाद एंड यहाँ पे सेकंड
सेकंड वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, देख सकते हो एनिमेशन इफेक्ट जो भी कहो, ठीक है वो मिल जाएगा, उसको ऐड कर लेना। एंड अब आप लोग अपने फर्स्ट फोटो पे आना, आने के बाद एनिमेशन वाले ऑप्शन पे चलना एंड यहाँ पे इन वाले ऑप्शन पे चलना, ठीक है। तो इन वाले ऑप्शन पे चलना एंड यहाँ पे फेड इन का एक ऑप्शन मिल जाएगा आप लोग को, इस पर क्लिक करना। तो 3 फोटोज फेड इन डालना है, ठीक है, 3 फोटो में अपने स्टार्टिंग के 3 फोटो में फेड इन वाला एनिमेशन डालना है, ठीक है। एंड इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है कि उसके आगे का एक फ़ोटो छोड़ के एंड 5th फोटो वाली जो है वहाँ से हमें क्या करना है कि कॉम्बो वाले ऑप्शन पे चलना है, ठीक है। डन करके कॉम्बो वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे जाने के बाद गाइस इधर की तरफ जैसे ही आओगे आप लोग ना, तो यहाँ पे देख सकते हो ये पत्तियों वाला कोई एनिमेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है एनिमेशन उसको फर्स्ट वाले फ़ोटो में देना एंड सेकंड वाला जो है सेकंड वाले फ़ोटो पे, ठीक है। एंड ऐसे ही आप लोगों को करते जाना है, फर्स्ट सेकंड एक एक फोटो पे एनिमेशन देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ गाइस इसको भी। तो गाइज़ आप लोगों ने यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से हमने अच्छी तरीके से अपने फोटोज़ पे एनिमेशन ऐड कर लिया है, ठीक है। एंड आप लोगों को अब मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ फाइनल हमारी वीडियो किस तरीके से बनी है, ठीक है। तो मैं प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है ना। एंड थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू आ सकता है, तो अगर मैं म्यूज़िक कम करूँ तो सॉरी इसके लिए, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारी वीडियो कितनी ज़्यादा ऑसम बन चुकी है एंड आप लोग भी इस तरीके की वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। वैसे भी ये वाली लिरिक्स अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो यहाँ से हम डॉट पे क्लिक करके इसको सेव करते हैं तो ये वीडियो हमारी गैलरी पे हो जाएगी सेव। तो आई होप गाइस ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी कमाल की नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।